यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है, और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी, समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी, एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है, उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस शहर से मैं चुन करके आता था वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए,
और हम तो वहाँ 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं, उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और माँ बाप, तो 60 का गुणा 3 1,80,00,000 वोट, और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया, अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला, और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है, तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें, इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है, ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई, ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं, और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं 120 हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी, यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी।